अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक के करम से मैं और मेरी फैमिली भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग कैसे हैं, आप लोग भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी जस्ट मैं उठे थे, उठते ही बस हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया था और आज हम जा रहे थे उमरे पे, और बस जल्दी से नाश्ता किया। उसके बाद मैंने अपना एहराम और अबाया धो के वॉश करके रख दिया था, बस उसको मैं अपने अबाया पे करूँगी प्रेस और बस जाने की तैयारियां करेंगे। और आज हमने ना ऑनलाइन बुक कर ली थी ट्रेन, क्योंकि हमने सोचा था कि हम उसी में सीट्स ले लेंगे और उसी में चले जाएंगे, ज़्यादा लंबा हमें सफ़र नहीं करना पड़ेगा। बहरहाल दिल बहुत उदास है आजकल, जब भी मैं व्लॉग नहीं बना रही हूँ, क्योंकि आजकल सैलाब को जिस तरह दिखा रहे हैं बार बार, आप यकीन करें मैं बस उन्हीं को ही देख रही होती हूँ, क्योंकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं होता कि मैं व्लॉगिंग करूँ या मैं व्लॉग अपलोड करूँ, बिल्कुल भी दिल नहीं है। मेरे दिल से बहुत ज़्यादा उनके लिए दुआएं निकलती हैं, और मैं आप सब से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग भी उनके से जितना आपसे हो सके आप उनकी हेल्प करें और उनके लिए दुआएं करें। जितनी मेरे से मेरी हैसियत थी, जितनी मेरी औकात थी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उनको भिजवा दिए। जितने भी, मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग भी प्लीज़ उनकी हेल्प करें प्लीज़, क्योंकि मैं आज ये बात सोच रही हूँ कि देखें, हमारे पास अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ है सब कुछ, फिर भी हम ना शुक्र हैं। हम भी कहते हैं कि अल्लाह हमें ये दे दो, अल्लाह हमें ये दे दो। कभी हमने ये सोचा है कि वो किस तरह से रह रहे हैं या किस तरह से वो लोग रहते हैं, उनके सरों पे छत भी नहीं है। यकीन करें मेरा दिल बिल्कुल ख़राब हो चुका उन लोगों को देख के, छोटे छोटे मासूम से बच्चे। आज मैं बोलती हूँ, मतलब हमारे जब बच्चे कुछ भी कर लेते हैं मैं कितना मौज होता हूँ, हो हमारे बच्चों ने ये कर लिया ऐसा ना करो, यार उनसे जाके पूछो, वो भी माँ बाप हैं, उनके भी दिल पे क्या गुजरती होगी। बहरहाल उनके लिए मैं सच्चे दिल से दुआ करती हूँ और बस यही हम दुआ करूँगी सबके कि अल्लाह तमाम गुनाह माफ़ कर दे, आमीन। और मुझे इस बात की ज़्यादा हैरानी जो है ना, वो सबसे बड़ी इस बात पे है कि लोगों को अभी भी इतनी सी भी शर्म नहीं आ रही, अभी भी लोग अपने कमाने के चक्रों में लगे हुए हैं। अल्लाह माफ़ी, लोगों को शर्म तक नहीं आ रही है, हर चीज़ महंगी कर दी। खुदा का खौफ करो, हमें भी मतलब मरना है, अल्लाह को जवाब देना है, उन लोगों को बिल्कुल भी एहसास नहीं है। बहरहाल और जो दूसरी बात है वो ये है कि लोग ना अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, अपनी टिकटॉक के फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए इस तरह से उन लोगों का दिखारे कर रहे हैं कि मैं क्या बताऊँ। मैं इस वजह से इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाह रही थी, बस मेरा दिल उदास था और मैं यही चाह रही थी कि अगर मेरी मेरी जितनी कोशिश है कि मैं आप लोगों से बात करूं और मैं आप लोगों को भी यही राय दूं कि जितना हो सके हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए। और इसमें पाक जगह पे आके भी मैंने यही दुआ की, या अल्लाह उन पे रहम कर और उनके तमाम गुनाह माफ़ कर दे और हमारे भी गुनाह माफ़ कर दे। क्या पता हमसे कौन सी ऐसी गलतियां हुई हैं जो अब मतलब ऐसा हो रहा है। गुनाह तो हमारे हैं, क्यों नहीं है। देखो टिकटॉक का दौर आ गया है, यूट्यूबर्स का दौर आ गया है, अल्लाह माफ़ी कैसा कैसा अब दौर आ रहा है, जिसकी वजह से वही दुनिया में ही अल्लाह ताला कयामत दिखा रहे हैं। बहरहाल अल्लाह से मैं यही दुआ करूँगी कि हम सब के गुनाह माफ़ कर दें। और बस यहाँ पर अब हम लोग तवाफ़ करने के लिए नीचे आ गए थे, और माशाल्लाह माशाल्लाह आयज़ा ने फर्स्ट बार खुद से तवाफ़ पूरा किया था अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे 7 राउंड आयज़ा ने खुद लिए थे और एंड में हालांकि वो थक गई थी, मैंने उसको गुस्से में आके ले भी लिया था कि नहीं आयज़ा आ जाओ बीबी पाँव में दरा थे। आप यकीन करें खुद से किया और मैं इतनी ज़्यादा खुश थी, मैंने बोला चलो, मतलब आयज़ा ने फर्स्ट उमरा जब किया था जब तो बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा, अभी रश है पर इतना नहीं है। तो अल्लाह ताला बस हम मैं यही दुआ करती हूँ कि इस जगह पे सब मुसलमानों को आने की तौफीक अता करे, आमीन सुमा आमीन। और बस आज का व्लॉग मैं यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और एक दफ़ा लाजमी
उन सब के बारे में सोचिएगा ज़रूर। भले ही आपकी जितनी भी तौफीक है, आप जितने दे सकते हैं, आप अपने पैसों में से थोड़े से पैसे उन लोगों के लिए निकाल के दे देंगे, आपके पैसों में थोड़ी सी भी कमी नहीं आएगी। और बस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।